ये देखिए कुछ कुतुब हैं, ये सिर्फ 10% कुतुब हैं जो कायदे आज़म के स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स के बारे में हैं। कायदे आज़म या मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, ही वाज अ लेजिस्लेटर फ्रॉम 1904 टू 1948। उनकी लेजिस्लेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस जो सब कॉन्टिनेंट के लिए हैं आर सेकेंड टू नन। इन फैक्ट दे आर ग्रेटर देन गांधी एंड नेहरू, क्योंकि गांधी एंड नेहरू लेजिस्लेचर में बहुत लेट, गांधी तो आए ही नहीं और नेहरू जो हैं वो लेजिस्लेचर में आते हैं जाके 1937 के बाद, ठीक है। और आप अगर ये भी देखिए कि अगर आप कंपैरिजन करें तो गांधी के 90 वॉल्यूम्स में कोई ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं है, और इसी तरह जवाहरलाल नेहरू की जो तीन कुतुब हैं वो कुछ तारीख के बारे में हैं, और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई तारीख के ऊपर इतनी गिरफ्त नहीं थी, और उसके अंदर उनकी जो कुतुब हैं ग्लिम्सेज ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके अंदर कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं है, और उनके अपने जो व्यूज़ हैं या उनकी जो रैंट्स हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंपाइल की हुई हैं। उसके मुकाबले में आप अगर ये देखिए, और शायद ये कैमरा में ना आ रही हो, लेकिन अगर आप ये कुतुब देखिए और इसके अंदर ये 5 वॉल्यूम्स हैं, इसके अलावा 5 और वॉल्यूम्स हैं, और ये मुख्तलिफ स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है। जिन्ना साहब की स्पीचेस अगर आप पढ़ें, सो ही कोट्स अबंडेंटली फ्रॉम बर्क, फ्रॉम ब्रिटिश हिस्ट्री, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ही वॉज नॉट समवन विद नो आइडियाज़ ऑफ हिज ओन। रिसर्च पेपर ना लिखना, रिसर्च पेपर एकेडमिक्स का काम है, लेजिस्लेचर का काम है लेजिस्लेशन करना। और जिन्ना साहब की जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं लेजिस्लेचर में टू वेरियस एक्ट्स एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन द इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज टू द आइडिया ऑफ फेडरेशन, द आइडिया ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, रिलीजन इन स्टेट मेकिंग, वो इसके बहुत सा खिलाफ थे, और उसके ऊपर उनकी लातादाद प्लेथरा ऑफ स्पीचेस मौजूद हैं। तो हुदबॉय साहब का ये कहना कि जिन्ना साहब ने तकारीर जो जिन्ना साहब ने रिसर्च पेपर नहीं किया, तो आई वुड रेकमेंड टू हुदबॉय साहब एंड दोज हु फॉलो हिम टू एक्चुअली लुक एट जिन्ना पेपर्स आर देयर, दे आर देयर फॉर एवरी वन। ये और बात है कि पाकिस्तान में PhD डिस्करेज की जाती है मोहम्मद अली जिन्ना पे, और उसकी वजह ये है कि एवरीथिंग जिन्ना डेड एंड सेड इज़ क्वाइट कॉन्ट्री टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद हुदबॉय साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने दो कोट्स निकाले कि कायदे आज़म ने कहा कि पश्तून जो हैं वो मुसलमान पहले हैं और फिर इंडियंस हैं, ऐसा कोई कोट मौजूद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने की कि कराची बार एसोसिएशन में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ये दिस विल बी द लैंड फॉर द लॉ ऑफ इस्लाम। अगेन दिस इज़ एब्सोल्यूटली इनएक्यूरेट एंड इनकरेक्ट। कराची बार एसोसिएशन में जिन्ना साहब ने ये कहा कि इस्लाम के खिलाफ नहीं है मॉडर्न डेमोक्रेसी, इस्लाम एक्लीजियास्टिकल। ये एक और स्पीच है उनकी कराची में खालिदीना हॉल में, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम डज नॉट इन्विसेज एन एक्लीजियास्टिकल स्टेट और अ थियोक्रेटिक स्टेट। इसके अलावा उनकी कोई 40 और स्पीचेज हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शेल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट टू बी रन बाय प्रीस्ट विद अ डिवाइन मिशन, ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान शेल हैव इक्वल राइट्स। फिर उन्होंने देखी है कि जहाँ तक ओथ का मामला था, गवर्नर जनरल का, मिनिस्टर्स का, गवर्नर्स का जो ओथ था उसके अंदर से उन्होंने, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको बोथ इस्लामिस और जिन्ना के लेफ्ट और लिबरल क्रिटिक्स भूल जाते हैं, कि जिन्ना ने ओथ के अंदर से द वर्ड्स सो हेल्प मी गॉड निकाल दिया था, और उनका कहने का, और ये बाय द वे इंडियन ओथ में मौजूद था, पाकिस्तानी ओथ में मौजूद नहीं था, द ओथ दैट जिन्ना हैड said they had no reference to God, and the second thing he took out was he changed the word swear to affirm. Now any lawyer or barrister knows that oath jo hota hai wo do tarike se kiya jata hai, you can either swear an oath or you can affirm an oath. Swearing an oath is a religious connotation, affirming an oath is actually a secular thing where you affirm on your own conscience.
दिस इज़ द लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओथ अफर्म एंड स्वेयर. और ये चीज़ आप गौर करें कि जिना साहब ने जो कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने मिनिस्टर्स होंगे, जितने गवर्नर्स होंगे या जितने गवर्नर जनरल होंगे, या उसको अगर आप मॉडर्न टाइम में ले आएँ तो प्रेजिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनको किसी किस्म का मजहबी ओथ नहीं लेना पड़ेगा. पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उससे पहले 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के लिए और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए बहरहाल रिलीजियस ओथ्स मौजूद हैं. तो अगर आप ये देखिए तो जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जिन्हा के आइडियाज़ क्लियर नहीं थे या जिन्हा कन्फ्यूज थे या पाकिस्तान वॉज बॉर्न इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर, इनएक्यूरेट. बिकॉज आप ये देखिए कि जिना के जो मैक्सिमम डिमांड थी जो उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के सामने रखी, जब कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा कि आप क्या चाहते हैं जिना साहब, सो जिना की जो मैक्सिमम डिमांड थी वो एक कन्फेडरेशन की थी. अच्छा, जिना ने जो एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट की फेडरेशन. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना वॉज वेरी क्लियर दैट ही डिड नॉट वॉन्ट अ सेपरेट पाकिस्तान. ही हैड ए कंसेप्शन ऑफ यूनाइटेड इंडिया अबव पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान. ठीक है, दूसरी बात ये कहना कि जिन्ना ने किसी टाइम पे ये कहा था कि हिंदूज या मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, मेरा ये ख्याल है कि आप 1940 की तकरीर उठा के देख लें, उन्होंने कहा था कि इट कैन नॉट बी फ्यूज्ड इन वन नेशन, देयरफॉर यू नीड एन इक्विपोइस. ठीक है, इट्स अ कंसोसिएशनल थीरी है, उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हिंदूज और मुसलमान साथ नहीं रह सकते. बल्कि अगर आप 1940 की जो करारदाद है, द लाहौर रेजोल्यूशन, अगर आप उसको उठा के देखें तो उसमें तो इन्विसेज किया गया है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भी हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटीज़ भी होंगी और पाकिस्तान के अंदर हिंदू सिख क्रिश्चियन वगैरह माइनॉरिटीज़ होंगी. अच्छा, अगर आप इसको ज़रा इसके ऊपर और ज़रा गौर करें तो आप ये देखिए कि फिर हिंदू और मुसलमान अगर दोनों तरफ रह रहे थे तो उन्होंने साथ ही रहना था. मसला ये था कि एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट थी. यूनाइटेड इंडिया को कायदे आज़म ने, और ये कहना कि कायदे आज़म ने कोई ऐसे नहीं लिखा, तो टाइम एंड टाइड में एक बहुत मुफस्सिल आर्टिकल लिखा था कायदे आज़म ने जनवरी 1940 में, और वो रिसर्च पेपर से कुछ ज़्यादा ही है. तो उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है और उसमें इंडिया को उन्होंने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कॉमन मदरलैंड. ठीक है, सो देर वॉज नो कन्फ्यूजन इन जिनाज माइंड. अच्छा, उसके बाद हमने कन्फ्यूजन क्रिएट की है, जिन्होंने अपने अपने तरीके से कायदे आज़म को देखा या उनके बारे में बयानबाजी की या ओपिनियंस दी, और उसके ऊपर दे हैव कम्प्लीटली क्रिएटेड द कॉन्ट्रडिक्शंस. सो कहने का मकसद ये है कि एक ये कहना कि जिना क्लियर नहीं थे या उन्होंने कोई चीज़ नहीं लिखी, उनकी तकारीर स्पीक फॉर देमसेल्फ, उनका एसे जो टाइम एंड टाइड ऑफ इंडिया है वो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. उन्होंने MRT यानी कि वो उन साहब का नाम था मोहम्मद शरीफ तूसी, उनके साथ मिल के एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं ये बड़े क्लियर हैं. अब ये ज़रूर है कि पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान चूंकि कायदे आज़म सेपरेट पाकिस्तान नहीं चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक नया विज़न दिया. 11 अगस्त की तकरीर सिर्फ वो चार लाइनें नहीं हैं कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेंपल्स मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस पाकिस्तान, उसके अंदर उन्होंने और भी बातें की हैं. मसलन उन्होंने कहा कि इन ड्यू टाइम हिंदूज एंड मुस्लिम्स शैल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स नॉट इन अ रिलीजियस सेंस बट इन अ पोलिटिकल सेंस. इसके बाद एट लेंथ ही स्पोक अबाउट द प्रोटेस्टेंट कैथलिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लैंड. ठीक है, ही स्पोक अबाउट देयर बीइंग नो बार्स अगेंस्ट एनी कम्युनिटी इन पाकिस्तान. सो दीज आर वेरी क्लियर विजन्स. सो अब मैं आपको एक चार लफ्ज़ों के अंदर आई विल टेल यू वॉट काइंड ऑफ पाकिस्तान जिना वॉन्टेड. और अगर आप ये तकरीर पढ़ेंगे और ये जिना पेपर्स के ऊपर नज़र दोहराएंगे तो आपको इसके अंदर ये चीज़ जो है क्रिस्टलाइज हो जाएगी. जिना वॉन्टेड अ फेडरेशन. ठीक है, जिना वॉन्टेड अ फेडरेशन ऑफ इंडिया और अ कॉन्फेडरेशन. These were all in the realm of possibility. ठीक है, जिना की पाकिस्तान का आइडिया जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन में बड़ा क्लियर है, ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट यूनिट्स, वो पाकिस्तान में बहरहाल नहीं हो सका. जिना का आइडिया जो रिलीजन स्टेट का है वो अगर आप देखिए ओथ वाले इशू को उठा लें, द फैक्ट दैट उन्होंने एक हिंदू को लॉ मिनिस्टर बनाया, अगर पाकिस्तान में लॉ ऑफ इस्लाम आना था तो हिंदू ने कौन सी इस्लामिक लेजिस्लेशन करनी थी. द फैक्ट दैट 11 अगस्त की तकरीर में उन्होंने कह दिया कि रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट.
रिलीजन हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। बहरहाल उनकी जो तकरीर जिसमें इस्लामिक रेफरेंसेस हैं अगर आप उनको उठा के देखिए तो उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान शैल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट, पाकिस्तान शैल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट टू बी रन बाय प्रीस्ट विद अ डिवाइन मिशन। अच्छा, कायदे आजम की वफात के बाद ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आता है तो ये कहते हैं कि जी देखिए जिन्ना साहब के राइट हैंड मैन ने किया, और अगर इतने क्लियर थे जिन्ना साहब तो उनके फॉलोअर्स ना करते। देखिए फॉलोअर्स जो कायदे आजम के थे वो नेसेसरली जिन्ना के सेम पेज पे नहीं थे। अगर आप ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से लेके 1954 1955 तक की कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखें तो बारहा जिन्ना साहब के कुछ कंपेनियंस थे जिन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जिन्ना साहब इस तरह की थियोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते, जिन्ना साहब रिलीजन का फ्यूजन नहीं चाहते। ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस के कई लोग थे, उन्होंने मुफसल तकरीरें की, लॉन्ग स्पीचेस, यू कैन पिक देम अप, चट्टोपाध्याय की स्पीच है, दत्त की स्पीच है, इसके अलावा आप सरदार शौकत हयात की तकरीर पढ़ लें। उन्होंने बारहा कहा कि पाकिस्तान शैल नॉट बी अ रिलीजियस स्टेट एंड मिस्टर जिन्ना डिड नॉट वॉन्ट अ रिलीजियस स्टेट। सो वो फेडरेशन चाहते थे, वो सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहते थे, हालांकि वर्ड सेक्युलर करेंसी में नहीं था। आप ये भी याद रखिए नेहरू और अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड नहीं डाला था। ठीक है, ये तो 75 में जाके अमेंडमेंट की है कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने जिसके अंदर वर्ड सेक्युलर डाला गया, लेकिन इसके बावजूद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सेक्युलर था और जिन्ना का विजन भी सेक्युलर है, जैसे कि सेक्युलर वर्ड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट की वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ विद द ओथ इशू जिन्ना हैड प्लेस्ड हिज आइडिया और स्टैंडर्ड ऑफ सेक्युलरिज्म अबव दैट ऑफ इवन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आप किसी ना किसी होली बुक पे, बाइबल पे, कुरान पे आप ओथ लेते हैं जब आप बनते हैं। जिन्ना ने कहा कि आप रिलीजियस ओथ लेंगे ही नहीं, देर शैल बी नो रिलीजियस टेस्ट। तो ये सारी बातें मौजूद हैं, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ें, आप 1920 की उनकी तकरीर पढ़ें, खुदा रहा आप ये बस कर दें कायदे आजम के बारे में ये कहना कि वो क्लियर नहीं थे या उन्होंने रिसर्च पेपर नहीं लिखा। दीज आर वेरी नाइव एंड पेटी इश्यूज, लेकिन लेट्स नॉट डिस्टॉर्ट हिस्ट्री। ठीक है, पाकिस्तान में राइट विंग और इसके अलावा सर्टन लिबरल्स, नॉट ऑल, उन्होंने बहुत डिस्टॉर्ट कर लिया है पाकिस्तान की तारीख को। वी कैन नॉट अफोर्ड इट एनी मोर, दिस कंट्री इज़ गोइंग टू गो डाउन इफ इट बिकम्स अ थियोक्रेसी। ठीक है, सो यहाँ तक आई एग्री कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की कोई आइडियोलॉजी जिन्ना साहब ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये बड़ा क्लियर किया है कि पाकिस्तान किस किस्म की रियासत होगी। थैंक यू।